सीजे चंद्रचूड़ की नियुक्ति किसने रुकवा दी थी? फंसा दिया था बड़ा पेंच। बाद में चीफ जस्टिस बने तो बनाया खास रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसे मौके आए जब सिटिंग जजों के बीच तल्खी और मतभेद देखने को मिला। 70 और 80 के दशक में सुप्रीम कोर्ट में पहले जज और बाद में सीजीआई रहने वाले जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की तल्खी बहुत मशहूर है। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के पिता थे। वह सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। क्या आपको पता है जस्टिस चंद्रचूड़ की नियुक्ति पर बहुत बवाल हुआ था? जब पहली बार उनका नाम जजशिप के लिए भेजा गया तो सीजीआई बीपी सिन्हा के एक बयान को आधार बनाते हुए होल्ड पर डाल दिया गया था। क्या था वो रोचक किस्सा, आपको पूरी खबर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या सीजीआई चंद्रचूड़ के आने से सुप्रीम कोर्ट मजबूत हुआ है? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएसटीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसने रोक दिया था चंद्रचूड़ का अपॉइंटमेंट? बॉम्बे हाईकोर्ट के लॉयर और सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ ने पेंगुइन से प्रकाशित अपनी किताब सुप्रीम विस्परर्स में अपने दादा वाई वी चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एन भगवती की प्रतिद्वंद्वता पर विस्तार से लिखा है। वाई चंद्रचूड़ मार्च 1961 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बनाए गए। हालांकि उनकी नियुक्ति में बहुत बवाल हुआ। पहले जब उनका नाम जजशिप के लिए भेजा गया तो सीजीआई बीपी सिन्हा के एक बयान को आधार बनाते हुए होल्ड पर डाल दिया गया। दरअसल जस्टिस बीपी सिन्हा बॉम्बे आए थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में अपनी राय रखी कि किसी भी एडवोकेट की बार से बेंच में तब तक नियुक्ति नहीं होनी चाहिए जब तक वह 45 से 55 साल तक की उम्र का ना हो। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एच के चेनानी ने इसको एक अलिखित नियम मान लिया और चंद्रचूड़ का नाम आगे भेजने से इनकार कर दिया। जबकि तथ्य ये था कि जस्टिस बीपी सिन्हा ने भगवती के अपॉइंटमेंट पर कोई भी एतराज जाहिर नहीं किया था, जिनकी उम्र 38 साल थी और चंद्रचूड़ की उम्र 40 साल थी। फिर कैसे हुई चंद्रचूड़ की नियुक्ति? अभिनव चंद्रचूड़ लिखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस पी बी गजेंद्र गाड़कर को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन सीजीआई बीपी सिन्हा को इसकी सूचना दी और कहा कि उनके बयान को आधार बनाकर चंद्रचूड़ का नाम होल्ड पर डाल दिया गया है। इसके बाद जस्टिस सिन्हा ने जस्टिस गजेंद्र गाड़कर से कहा कि वह फौरन बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस चेनानी से चंद्रचूड़ का नाम आगे भेजने को कहें। आखिरकार इतनी कवायद के बाद वाई वी चंद्रचूड़ हाईकोर्ट के जज बन पाए। सबसे ज्यादा वक्त तक सीजीआई रहे। हाई कोर्ट के बाद जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फरवरी 1978 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। उनके नाम सबसे ज्यादा वक्त तक सीजीआई रहने का रिकॉर्ड भी है। 7 साल तक भारत का मुख्य न्यायाधीश रहने के बाद जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जुलाई 1985 में रिटायर हुए।